अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक और आप देख रहे हैं मस्तियां। वैसे तो पिछले कई सालों में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बहुत कमी वाकई हुई है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर पाकिस्तानी रुपए की कभी भी कोई कदर नहीं थी, और वो जगह है एयरपोर्ट्स, जहां पहले भी चीज 10 रुपए वाली 50 रुपए की मिलती थी और अभी तक ये सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी रुपए की कदर क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वहां पर तो भिखारी भी पाकिस्तानी रुपया एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़े अजीबो गरीब और दिलचस्प मंजर देखने को मिलते हैं। कहीं पर देखो तो पूरा का पूरा गांव एक शख्स को सी ऑफ करने आया होता है, शायद इस डर से कि कहीं वापस ना आ जाए, और कभी पूरा का पूरा खानदान एक शख्स को रिसीव करने आया होता है, जैसे वो सऊदीया से बेल आउट पैकेज लेकर आया हो। और कहीं कहीं ऐसा मंजर भी देखने को मिलता है कि 7 साल का बच्चा होश में आने के बाद पहली बार अपने बाप को देखकर जज्बाती हो रहा होता है, और कहीं 21 साल का बेटा अपने बाप को देखकर ये सोच रहा होता है कि उप्स डैड फिर आ गया। और इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं। आपको लेकर चलते हैं एयरपोर्ट। साथी मुझे मिल गया। हेलो, यहाँ पे तो बड़ी रोमांटिक सूरत हाल चल रही, मैं तो समझ रही थी कि बड़ा रश होगा, पैसेंजर्स होंगे, खाली क्यों पड़ा है एयरपोर्ट? अजय एयरपोर्ट खोले आइए, कोई ना कोई गाहक आएगा इंशाल्लाह। ए आओ मैडम, तुहानू भी किसे मुल्क दी सैर करवाइए। नहीं नहीं, मैं अभी 10 साल पूरी दुनिया घूम के आई हूँ, मैंने नहीं जाना। पूरी दुनिया तो मम्मी घूमी है। अच्छा, कैसे? थले नक्शा रख के जापान, कैनेडा, अमरीका, फिर वापस पाकिस्तान। देखो ना, बच्ची शिगिर्द होना आ गई मैडम दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है मैम? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बार्सिलोना से फ्लाइट आ गई है। आज बस लमान आ रहा है। मेरे फियांसी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फियांसी। तुसी फिरौन नु प्यार करदे हो? मेरे मंगेतर हैं बचपन के। अच्छा, दरअसल मैं बैठो तो शरीफ रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत एक्साइटेड हैं आप, किसको पिक करने आए हैं? अपने फियांसी को। ओह अच्छा, कहाँ से आ रहे? बार्सिलोना से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। शाहरुख खान कुछ भी नहीं है, वो इतने प्यारे हैं। अच्छा, ये खुशी मंगेतर की है या गिफ्ट्स की है? मंगेतर की, जाहिर है वो होंगे तो गिफ्ट्स भी मिलेंगे ना फिर मुझे। वैसे यहाँ पे मुझे आप सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रहे हैं, मुझे बताएं कि बार्सिलोना से फ्लाइट कब आएगी? मुझे क्या पता, हो आप फ्लाइट इंक्वायरी से पूछें। काम खत्म हो गया था, इतना ही सी। मुझे क्या पता, भी तू इतने कादली बैठा। तो मुझे ये बताओ यहाँ क्यों खड़े हो? कमले आ जाए, तेनों इस गल का नहीं पता, मेरा काम इतने खलोना, होर बंदे ने ना जहाज चेक करने। आते तो ऐसे चबड़ चबड़ कर रहे हो ना जैसे तुम्हारे पास ही है। तेनों किसी दिन हिचकी लगनी हो गुफ्तगू कर दे। मेरी बात अच्छा ये है कि आपका रवैया पहले तो अच्छा है ही नहीं है, वो खवातीन आ रही हैं, आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, होस्ट के साथ कर रहे हैं, असल में आपका काम क्या ये बता दें मुझे। अच्छा, यहोजे बंदे को तकिया भी हो फिर मां रखी होंगी। 200 रुपया तेरी जेब दे विचों भी पासा ले लेके पाड़ ले यार। सर वैसे गार्ड्स हर जगह पे ऐसे बदतमीज होते हैं। बड़े बड़े अच्छे गार्ड्स होते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया बदतमीज। घरों आया मैं और कितों। आपको अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, वरना सीरियस नोट। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। बिना इसको समझाएं प्लीज। तेरे यार का बंदे ने 9 फिल्मा की थी, तो सिर्फ इंज कर रहा हुंदा। जाके जहाज को देख सकती हूँ? देखिए आप एयरपोर्ट पे हैं, आप सर्टेन एरिया से बाहर अभी नहीं जा सकती है, जब जहाज लैंड होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। नहीं तो आपके इंतजार करने से जहाज तो अपने टाइम पे लैंड होगा ना, पहले तो नहीं होगा। देखिए हम इसी बिहेवियर की बात कर रहे थे कि जब हमारे यही पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो क्यू में भी लग जाते हैं, उनमें पेशेंस भी आ जाता है, वो इंतजार भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो कहते हैं नहीं नहीं हम एयरपोर्ट के अंदर ही जाना है। लेकिन आप बिना ये भी देखिए ना कि वहाँ पे जो है ना वो कानून पर अमल दरामद करवाती है। हुकूमत को चाहिए कि कानून जो बनाते हैं ना उस पर अमल दरामद कराएं। आपको पता है कितने साल इंतजार किया मैंने उन्हें देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे मिले, हम ये नहीं कह रहे, मगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं ना, आप एयरपोर्ट पे घर में थोड़ी बैठे। लेकिन आप ये कह रही हैं कि इन जैसे लोग यहाँ ऐसे करते हैं तो बाहर जाके ऐसे करते हैं, आपको पता है कितने साल इंतजार किया मैंने? बिना आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि फ्लाइट लेट होने की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा हो? सो मेनी टाइम्स। अच्छा, सो मेनी टाइम्स। यार तू भाई एडी आवाज आ रही ना, बोलना करो ही ना आया। जुनेद सर, यार तुम्हें यहाँ पे रखा है नौकरी के लिए। जी सर। और ये तुम झुकते कर रहे हो? नो सर, ये हासियां खेड़ियां जान जी होता है सर। अच्छा जुनेद, बात ज़हन में रखना। जी सर। एक पैसेंजर के साथ एक बंदा अलाउ है। ठीक है सर। ये सारी फैमिलियां नहीं चाहिए। जी सर। ठीक है, ड्यूटी जरा सख्त है। जी सर। ख्याल से रहो। जी सर। अच्छा, ये हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया कि जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमारे लोग सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं।
एक आदमी को पिक करने और ड्रॉप करने कभी कभी पूरा पूरा मोहल्ला पूरा पूरा खानदान आ जाता है। चले अब्बा जी एयरपोर्ट आ गया। कहाँ रह गई हो? आओ मैं सबके जमा एक परे हो या वो ना जाके दरम्यान सदके जावे मेरा पुत्र। यार मेरी गल सुन बे मेरे बच्चिया किधर तिकर दादे दे नाल लगा रहेगा। मेरे दादा बू मेरी जिंदगी दादा बू क्या हो गया वो क्यों रोए जा रहे हैं आप? पुत मैं तेनू कभी पंगूड़े वाले जहाज से नहीं बैठ देता। अब्बा जी ये अपना रोशन मुस्तकबिल देखने जा रहा है और शबाना ये एयरपोर्ट है, यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ देते सारे ड्रामे ही लगते ने। ये चुप कर जा चुप कर जा। आप चारों की फ्लाइट है या आप में से कौन? ये मेरा बेटा है जी। मेरा पुत्र है। मैं जा रहा हूँ। ऐ सबके जमा मेरा पुत्र है। फ्लाइट सिर्फ इनकी है और आप सब? आए लाडला ही बड़ा हसे ते कारोबार नहीं निकलन देता। मैं ते अपनी बुक्कल छुपा लिया अपने मुंडे नु। ये चुप कर जा एयरपोर्ट ते मेरे को गिटे ना छिला ली। अब्बा जी आराम से अपना ब्लड प्रेशर ना हाई करें बस करना छोड़ें। इनकी आदत है सुना बोलते रहने की। जो चीजें मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सका आज मेरा बेटा मेरा ख्वाब शर्मिंदा है ताबीर करने जा रहा। हेलो इस मौके पे भी ना जेर जबर थल्ले ना होण दे। वो कौन सी चीज है? बाहर सफर करना। मुल्क से बाहर जाना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मेरा बेटा जा रहा। मेरा पुत्र बाहर चल रहा है उठे जाके पैसे कमावेगा ढेर सारे इंशाल्लाह। मां जी मेरी भी सुन लो। की इथे पैसेंजर और भी आंदे ने राशन ना पाओ इथे बैठ के गल करो। दिल घबरा गया। हां दादा बू आए इधर आए। अब्बा जी ध्यान से बैठे ना आप इधर आए मेरे पास आए ना इधर बैठे। तू खिचड़ने दादा नौवीं च पढ़दा। आप आए प्लीज यहां पे आके बैठे छोड़ दो शाम सब आदत है सिर्फ बोलते रहने की। इधर आए आप फौरन बैठे यहां आके बैठ जाएं। रोते नहीं खुशी का मौका है। मेरा पुत्र प्रदेश चल रहा है। मेरी गाल सुन मैं तेरे टैची च वड्डा टैची किथे गया है दा? वो वड्डा टैची बाहर है अभी मैं नहीं लेकर आया भाई। बहुत फजूल फजूल चीजें आपने दी हैं मुझे। ओदे च मैं तेरा कोड़ा तेल रख ले ना तो बाद जरूर लाई खुशकी नहीं होएगी पुत्र। कोड़ा तेल साथ नहीं लेके जाने दे। नहीं नहीं मैं लिखा के रख लेता है तो चार भी रखे लसूड़ जांदा। यार क्या किस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? बैठ जाओ वहां पे जाके। रोशन किस तरह अपनी माँ से बात कर रहे हो? हमने तुम्हें अपना पेट काट के पाला है। दादा काट लिया आपने पेट वहां जाके बैठे मुझे अपने दादा से बात करने। लाओ निकल रहे हैं लाओ। अंकल मेरे नुमान आने वाले हैं और उन्हें इतना शोर नहीं पसंद। ए गुड़िया अपनी हद में रहो। केड़ी गुड़िया? मतलब गुड़िया लग रही है मरनी। यहाँ के भी तमाशे शुरू कर दिए। कर लो गल्ला कर लो इधर फड़ी फड़ी अपने फूल पैर पेरा मेरा पुत्र दो मिनट सदका दे दिया। या अल्लाह मेरे पुत्र दिया सारियां बलावां दूर होन। सारी की सारी रसूमात एयरपोर्ट पे हो रही है। घर से क्यों नहीं करके लाई सदका? कार कीता है। अच्छा कार जो तो निकली है तो मैं बकरा देता है। अच्छा अभी एयरपोर्ट का सदका है? एयरपोर्ट का सदका जहाज आराम नाल टुर पेगा। जी अब्बा जी वो गड्डी में चिड़िया ले आंदी सी मुंडे तो छड़ लियो कि थे ही। मैंने वो सारी चिड़िया उड़वा दी है अब्बा जी बेफिक्र रहिए। शबाना बस बहुत हो गया ये छिछड़े मिछड़े एयरपोर्ट पर नहीं चलते बैठो। अल्लाह खैर खैरियत से जहाज पहुंचाएगा। ना फ्लाइट आई है कि नहीं आई है? ओए आ जांदी बेटा ए फाड़ तू मेरा पुत्र उठे रख इनू आप जाएं देखें। शबाना देखो आज हमारी मेहनत रंग लाई जो पौधा हमने बीजा था आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। ए वो बंदा ड्रामेबाज है। कितने ड्रामेबाज है दादा बू चेक कर ले जरा इन लोगों को। है इन लोगों के दुख की वजह से बाहर जा रहा हूं मैं। काशम अपना बदतमीजी करते हो तेरे नीलाम घर नु आग लगे ओ। मैं पूछदी पईया वे इनू कित्ते गल्लू ने एयर होस्टेस है ये जब ये सारी जिंदगी नौकरी करने तो बाद जो रिटायर होवे ना विद पेंशन यही जी औरत 35,000 मिलता होता। नहीं आप तो पैसा कमाने और कुछ कारोबार करने जा रहे हैं। पैसा भी कमाऊंगा लेकिन इन लोगों के रोज रोज के तानों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया था वीना जी इसलिए बाहर जा रहा हूँ। और मैं एक बात बता दूं दादा बू अपना बहुत ख्याल रखना और अगर मेरे दादा बू को कुछ कहा किसी ने हाँ। और मुझे कोई खबर मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने दिन जी लेना तेरे दादे ने और मैनू किसी ने कुछ किया या मैनू किसी ने कुछ कहन देता ना मैं लत्तां बांध देगा। पर बाहर चलना तू जो तेरे के रोटी आवे जरूर पूछ ली मुस्लिम फूड हलाल फूड। हाँ देखो ना दिखो मेरे हम ख्याल है तदे तो मैं कहन दिया भी कितने हुंदा एहो जिहा बाबा चांद रात नूं मर के ना सब दी ईद बर्बाद कर दिंदा। आउणा तू अग्गे आया इधर आ इधर इधर। जी बाबा जी ये क्या तरीका बात करने का? वो तेरा वो बश्ताक ढोला वाले दा मुंडा है और तेरे प्यो ने पुत पिंड पिंड नच के तेनू इत्थे भर्ती कराया। वो मैं नहीं बाबा जी रिश्वत रिश्वत ले मैं तेनू दस देवा। आपकी मंगनी हुई है
लड़की है छोड़िए लानत नहीं भेजेगा को गली महला बना दिया आपने अपना। आप बैठे दादा बू छोड़े छोड़े है कौन है वैसे भी जिस तरह का आपका बेटा है ना किसी ने इससे मंगनी करनी भी नहीं है। मेरे मुंडे ने किसी ने कुड़ियां मार दी ने। टीना आपने वो गाना सुना है कौन सा वो एक है लाखों में वो रहता है पलकों में उन्ने हाँ जी दादा बू पोते एयरपोर्ट ते कहे दा बच्चा गुआचा उसे देखा नहीं उसे सोचा तो है। आपकी जो मोहब्बत है अपने मंगेतर के साथ उसने तो आपको अच्छा खासा सिंगर बना दिया। गाने तो शबाना गाया करती थी। दस सही थे दस भी एक केड़े खानदान तो व्याह की था। ये मतलब शबाना ने गाने गाए मैं नहीं दफ्तर व्याह के ले आनी है। दादा बू छोड़े दादा बू प्लीज दग 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 मेरा दोस्त आया आ गया आसा ढाई और बार चला मेरा दोस्त आ दग 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 अभी ये कम थे कि दोस्त भी पहुंच चुके हैं यहां पर सी ऑफ कर मेरा दोस्त ਅਸੀਂ ਮੰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਤਾਕ 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 ਮੰਨਤ ਹੀ ਮੰਨਤ ਬਾਦ ਫੈਰ ਕੱਢਣਾ ਫੈਰ ਸਮਝਦਾਰ ਓ ਭਾਈ ਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਓ ਇਸੇ ਤਾਕ 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 ਕੱਢਣਾ ਫੈਰ 1 ਮਿੰਟ ਆਪ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪਕੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਿਆ ਕੱਢਾਂ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਕੱਢਾਂ ਫੈਰ ਖਬਰਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਯਹਾਂ ਤੁਮਨੇ ਕੋਈ ਗੁਲਗੱਪਾਲਾ ਕੀਆ ਡੱਗ 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 ਕੱਢਾਂ ਫੈਰ ਨੋ 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 ਦਾਈ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਗ ਡੱਗ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੱਗ ਡੱਗ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਇਸ ਜੈਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜਾਨ ਛੂਟੇਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਰਹਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ ਬਕਾਇਆ ਉਠੋ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਡਿੰਗ ਚਿੱਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੱਚਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਮੇ ਰਹੋ ਉਹ ਸਾਕ ਜੀ ਅੱਪਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਜੀ 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 ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ another passenger hello assalam alaikum wa alaikum assalam oh tu iste kaise si airport aana tu iste bolada yatim khane laaya hai mainu hai wapas chalna main ho jaa ch jaane ni naukar main wagon te jaana main wagon te jaana nahi international flight hai hamari okay zara check karo message kya aaya hai oye hoye hoye saab ji ki keh rahi hai wo keh rahi hai main dubai airport de bahar ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਤਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਕਮ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਓਹੋ ਅੱਜ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਓਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਓਏ ਪੋਤੇ ਜੀ ਦਾਦਾ ਬੂ ਓ ਲੰਡਨ ਬਲੈਕ ਪੂਲ ਹੈ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈ ਅੱਛਾ ਓ ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ देख कितने ख्यालात मिलते हैं अच्छा भाई साहब देखो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया आपको बहुत सारी जगहों का पता है काशम हां जी बोलें वहां किसी अंग्रेज से ज्यादा बातचीत ना करना क्यों ना करूं मैं काम करने जा रहा हूं मैं क्यों ना अंग्रेज से बात करूं वो तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे देख और मैं नहीं चाहता कि मेरा मशरकी बेटा मगरबी बन जाए अच्छा पढ़ाने के लिए बच्चों को बाहर भेजना है और ये भी कोशिश करनी है कि उन जैसे नहीं बन जाए ना ना जहाज जाना है मेरा अनाउंसमेंट हो गई चेक करो आ गया तेरा नमान चलो नमान आ गया साडा नंदो जाओ
ओ भाई हेलो मेरी गल सुनो ओ भाई मेरी नौकरी का सवाल है रश ना पाओ होर भी पैसेंजर आ रहे बैठो बैठो ओ बेटा आप क्यों नहीं बैठ रही अंकल मैंने नहीं बैठना मेरे मेहमान आ गए हैं बार्सिलोना से आने वाली प्रवास एयरपोर्ट आ चुकी है आओ आगे जी अनाउंसमेंट हो गई अंकल मेहमान आ गए अंकल प्लीज अब आप लोग चुप ही रहिएगा जी बिल्कुल हम चुप रहेंगे नीना मैंने आपको बताया था ना कि नुमान ग्रीन शर्ट में आ रहे हैं इस आदमी पे कितना बुरा लग रहा है ये ग्रहण और नुमान पे बहुत अच्छा लगेगा नुमान पे देखना कैसा लगेगा देखिए मैडम मुझे कोई लेने नहीं आया किसने आना था आपको लेने भाई इतना अरसा दराज के बाद आया हूँ अच्छा कमाल है नुमान आए और उसे कोई लेने ना आए नुमान अंकल आप भी नुमान है देखिए मुझे आप अंकल न कहें मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई काका नुमान जी तू स्पेन चो डांस करने वाले पैप नहीं वेल्ड करता कुड़ी मारती है कातल जाने ना पाए फट दो वक्त हुआ एक ब्रेक का मगर कहीं जाइएगा मत वी विल बी राइट बैक Welcome back to Mastiyan and we will continue with the show. Ji. Yambola, yambola, yambola. Yambola. Yambola, yambola, yambola. Yambola. Ji, Kabutar channel vallo Talib Zakhmi. तू अपने चैनल दी प्रमोशन करना है या अपना जख्मी पुना दसना आया सानू नहीं मैं दस रहा भी कबूतर चैनल वालों मैं अपनी जान खतरे च पा के ते जंगला च गया देखो नहीं ना ते वेखो की सोना रखया है के इदे चैनल नु जिथे मर्जी दाना पा के ले जाओ ए मुंगड़ू अमरूद गड़िया माशाल्लाह इदा चैनल बंदा सवेरे उड़ाए ना ते राती 11 बजे आके छाते बैंदा बहुत माड़ी गल कर रहे हो तुसी साडे चैनल भी कबूतर चैनल साडा ओ कबूतर चैनल असी कोई शर्त लाउणी कोई होर चैनल दा नाम रख ला भाई भाई कबूतर चैनल बिल्ली कोल ते डरदा ही होना फिर हैं भाई कबूतर चैनल ना मेरे चैनल दा आपका कबूतर चैनल जोंसरा है कौन सा है अच्छा जी ते इन्हां नु फड़या किन्ने में मैं फड़या मैनू लगता उन्हें तिना ने तेनू फड़िया नहीं मैं मौके ते ना पहुंचता ते बुजुर्ग साफी इन्होंने चब जाना सी हाँ बेफिक्र रह सोने इन्होंने गलना ही नहीं हैगा अच्छा ये आदमखोर कबीला थे उन्होंने आपको खाया क्यों नहीं है अल्लाह थोड़ी खैर करे मैं कहना सी एक क्वेश्चन मेरे ना क्यों नहीं को करन दिया रजे सन ओ मैं रजिया नहीं सी असी इन दंदी वड़ी है बकबका जा निकलिया मैं थुक दिता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਡਰੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮਖੋਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਦਮਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਹਕੂਕ ਦਸੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਦਮਖੋਰੀ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ यूरोप में एक दफा मशहूर था कि एक सर्टन टाइम ऐसा था कि जब मुजरमों को फांसी दी जाती थी तो जल्लाद जो डेड बॉडी थी उसके कुछ पार्ट साथ ले जाते थे जाहिर बात है खाने के लिए और एक मरतबा रशिया में कहत पड़ा था तो खुराक की इतनी कमी हो गई थी कि इंसान जो है वो डेड बॉडीज खाना शुरू हो गए थे आदमखोरी के वाकयात सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि हमारे शहर बकर में भी हुए थे एक दफा दो भाई थे वो कुकिंग कर रहे थे खाना बना रहे थे और एंड टाइम पुलिस ने छापा मारा तो पता चला कि इंसानों के गोश्त का खाना बन रहा है अगर कुकड़ी दा अगर कोले ले अपन की दान 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 ना ना मैं तेरे दंद कर दमांगा अजे तक चेहरे ने तीजा शो किया है पीला वो बच्चे को मैं चीचा का क्यों ए हुन ए जड़ा ए कह रहा मेरा खे खान नु दिल कर रहे बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके जिंगा ला लाहौर जिंगा ला लाहौर इतनी ठंड दूर दूर बिल्कुल ए होई होया और अगर देखा जाए तो हरामखोरी इनडायरेक्टली आदमखोरी है एक्चुअली अरे वाह पॉइंट
जंगली इधर जो भैन पहला चक मारिया तुहाडे दंद मिठे हुए सन या खट्टे खट्टे बकबके जे हो गए बकबके जे हो गए मार ही कितने कली च बैठा सी रफी साहब आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझे लगता है उन बुजुर्गों को आप खाना चाह रहे हैं देख लो जी खाना चाहते को रादा बड़े हैं बुजुर्ग खान दा दसो ए जंगलियों में सुने हैं कि तुसी बड़े जशन करदे हो बंदा खान तो पहला तां दसदा कौन सिरमाए च नजर आंदा मैं कहना अग बाल के मेनू विच सुट के ना ते आले दुआले नचण लग पेंदे सन हाय किवें एहो कहंदे सन जिंगल लाला होर मेरी अख खुली मैं कहा हुण हेलन भी आएगी हां हेलन ते नहीं आई ए 200 दा गैलन आ गया अच्छा ये सिर्फ ब्रूटल ही नहीं है बल्कि बड़े एंटरटेनिंग भी हैं गाना डांस आग के आसपास कोई फेस्टिविटीज भी अल्लाह आपने अपनी आंखों से क्या देखा है हमें बताए ना वीना मेरी दुआ अल्लाह तेरे से मौका ले आवे तू कितने फड़ी जावे ना देखो फिर तनु सही अंदाजा होएगा भी एदे कोई दोपहर के वेले इन्होंने की करना मेनू काला जीरा ते दही मलना पड़ा के होरे के होरे गल जाए वीना तू सही किया मैं डरदा रहा को इन्हां दे कान च ए ना कह दे के विच मीठा सोडा पा लो साफी गल जाएगा ए पपीता पान ना भी नहीं सी गलना शुक्र है इन्हां नु अकल ही नहीं आई पपीता उथे पिया भी सी अल्लाह ने बचाया मेनू अल्लाह ने बचाया साबन बनाउंदी सी हाजी अम्मी इन्हां दे गंदे पोतड़े धो धो के मरी ए ए दाई दा मुंडा वा सहाफी हो गया मैंने सुना है कि जिस शख्स को इन्होंने खाना होता है उसे बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं इज्जत करते हैं उसका बड़ा एहसास करते हैं इन्होंने पहले मैंने शेरा भी बने हैं शेरा ने तो पै बने हैं जो ये जश्न मनाते हैं उसकी रसूमात तो थोड़ी हमें बताएं ना आंखों देखी जी मैं वही दस रहा सी इन्होंने मैंने दही सही मल दिता अच्छा फिर थूम ते अदरक मैंने मिलया इन्होंने अद्धा घंटा इन्होंने मैनू ओदे सुटिया सिरके च आहा स्पाइसी हो गया ते पैड़े हो तुहानू गर्दन दा गोश्त आपको बहुत भूख लगी हुई आप बड़े बहुत अच्छे तरीके से खाने बनाती बहुत अच्छा सुना के इंसानों से हटाना चाह रहे इंसानों से हटाना चाह रहे अपना जिन्या तो तारा ने पेटी 7,500 बिजली का बिल आना तुम और इंडे इंडे फुलके क्या बात ते नाल में ताड़े ऐसे देसी के ओदा हलवा बादाम काजू छुआरे क्या कहने अद्धी की रोटी ते पा दे मेनू तेनू मौला ने पड़ा दे यकीन कर लोकी ते लांदे ने ना चांदी दे वरक हाय हाय सोने दे वरक लानी आ तेरी आदत ए एहो जिया तानू हलवा खवावा उंगला ही चित लवो अपनी आ तू ले जा इथों कड के मरे एडी सड़ी साहिबा मस्तियां विल कंटिन्यू बट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर वेलकम बैक टू मस्तियां पाकिस्तान की सियासत में कई हस्तियां आईं और चली गई मगर कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जो आ तो गई मगर अब जाने का नाम ही नहीं ले रही उनमें एक नाम है शेख रशीद साहब का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में शेख साहब और उनके साथ ज्वाइन किया है एक सियासी कारकुन बिल्ला पाकिस्तानी ने इन दोनों से जानते हैं कि पाकिस्तानी हालात का धारा किस जाने मुड़ रहा है शेख साहब एंड बिल्ला पाकिस्तानी वेलकम टू मस्तियां He loves me. He loves me not. He loves me. She loves Sheikh me. साहब, बहुत तेरा बेड़ा तर जाए ओए। शेख साहब उधर ध्यान दियो, देखो किड़ी सोनी होस्ट ते की गल कर रही है। शेख साहब ये फूल मुरझा जाएंगे। लेकिन कोई बहुत ही तरोताजा है।
यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। शेख साहब, ये जो स्कार्फ है आपका, ये तो रेड नहीं हुआ करता था, ये पिंक कैसे हो गया? देखें, जिस दिन मैंने आपका हो गया ही वो पिंक कलर के सूट का एपिसोड देखा था, मैं उस दिन ही तय कर बैठा था कि औरतों के हकूक के हवाले से मैंने आवाज उठानी और हर वो चीज सपोर्ट करनी है। इफ यू अलाउ मी, मैं आपको ये पेश करना चाहता हूँ। जी प्लीज। आए आए कब्रिस्तान जांदे जांदे शो ते आए जे। मेरी तो दुआ है कि आपका ये शो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। आमीन जी। दिल की यथा। थैंक यू शेख साहब। गहराई से आपका। प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया शेख साहब। लगता है जिवें 7 दिन साइकिल चला के हटे तुसी। भाई ये कौन है जाहिल? बिल्ला पाकिस्तानी। कब से सियासी कारकुन है आप? जदों से पैदा हुए हैं जी असी। असी जदों से मियां। और तेरा बेड़ा गर्क होए। शेख साहब देखे, हम आपसे भी लव करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। बड़े मियां साहब साढ़े बड़े ने, उन्होंने भी आना सी, पता नहीं हाली तक आए नहीं है। इधरों किधरों? अब यहाँ कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएंगे। अब मियां साहब आ रहे ने शेख साहब, तो मैं चाहना मैं ताड़ी पार्टी च आ जा। इस जैसे जवान मेरी जमात में हो तो मल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। तो आपकी टोटल जमात में 5 लोग हो जाएंगे। मैं कहना 3 को तुसी आप भर्ती कर लो ना, चौथा मैं पक्का कारकुन ना शेख साहब ताडा। ए पुत्र फिर ना 3 होए ना तू आया, यानी के दुर फिटे मुंह तेरा। लो मियां साहब आ ही गए। सुभान अल्लाह, मियां साहब आ गए ने। जरा पैर परे करो थोड़ा जा। हैं किधर है मियां साहब? वाह वाह वाह, मियां साहब आ गए जी। अब मियां साहब गायबाना ही आएंगे। हेलो। नहीं जी, साढ़े दिल च ने, साडियां नगावा ना। मैडम जी देखो मियां साहब बैठे ने, एक मिनट जरा लाते लात रख लो मियां साहब। आए हाए। ओके शेख साहब, पहले आप पेशगोई किया करते थे और सच साबित हो जाती थी, आजकल तो आपकी कोई भी पेशगोई सच साबित। मेरे ख्याल शेख साहब फाला कटने वाला तोता मर गया। देखिए, फाल वाला तोता नहीं मरा, मेरा लिंक जिससे जुड़ा था वो मर गया है। किससे जुड़ा था लिंक आपका? बाबा वांगा। बाबा वांगा से? हाय हाय, ए तुसी बाबे वांगे को खजल हुंदे रहे हो शेख साहब। अब ये क्या है? मियां साहब हो तो छोटे पावे ना हो। हाय हाय, ये कैसे हो सकता है मैडम जी? आप जरा चेक करो कि नमक सही है। आपका भी यही जवाब है शेख साहब? लेकिन सवाल बहुत इम्पोर्टेंट किया है दोशीजा, इसका जवाब यही दूंगा कि नैना नैना बू बू नैना नैना बू बू। बुरी बात है, जवाब तो देगा। ओए चुप है खुसरी। गुस्सा ना करन ते होर की करन। हाय हाय, इनके लीडर को कुर्सी नहीं मिल रही, इनको रिश्ता नहीं मिल रहा। हाय हाय, सही बात। ऐसी बात नहीं है। मैं शेख साहब, अनवर दी बैटरी हुंदी है। अनवर कौन है? भाई ये मेरा छोटा। कोई बात नहीं शेख साहब, आपको जिंदगी में कोई रिग्रेट है? आपको रिग्रेट? मुझे ये है कि मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं। जब मैं काम की ठान लूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आया आया आया। जहां से मैं खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। तो मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता क्योंकि मेरी कमर में दर्द पड़ जाता है। कान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतनी नालायक पुलिस अगर किसी मुल्क में है तो उस मुल्क को डूब मरना चाहिए। कि आपने किस स्कूल की दीवार पे पढ़े सारे? मेलियां दे विच जाओ ना, मेलियां दे विच जरा डांग ते गट्टा वेदा, 5 रुपए दा इहो जिहा शेख रशीद बना दिंदा तुहानू। मुझे गट्टे के शेख रशीद पे एतराज नहीं, मुझे 5 रुपए पे एतराज है। और शेख साहब, तुसी पाकिस्तान वास्ते की कर रहे हो? पिल्ले तेनू की प्रॉब्लम, तू हेलन दा मुंडा है। वैसे वीना, इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां मैंने दी हैं शायद ही किसी ने दी। हां जी माशाल्लाह, 4 बकरे एक वेड़ा देता सी तुसी ऐसा नहीं। ओए मिसाली बात दे रहा हूँ। अच्छा, मिसाली दे। क्या क्या कुर्बानियां दी हैं आपने शेख साहब? शादी नहीं की, अकेले रहे, सिर्फ सियासत की, और क्या? देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो मैंने जेल से की थी। जब मैं जेल गया था मेरी कलाई में हथकड़ी नहीं आती थी, हालांकि मैं भागना चाहता भाग सकता था।
आप इतने छोटे थे? मैं बच्चा था रूबी, तुम तो जानती हो मेरे बारे में। आप इतनी पुरानी है? अब इनके बारे में भी जानती हैं आप? रूबी तो सभी टोक खबर ही निकले हो। रूबी तुम्हें याद है जब स्कूल में हमने बचपन में टीचर के मुंह पे केक मला था? वे उदो तो केक दा रवाज ही नहीं सी, उदो तो नीरे मरूंडे होंदे सन। ते बिल्ले लत्ता चुक क्यों बह गया ना तू? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੱਦਾਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਧਿਮਕਲਾ ਧਿਮਤਾ ਧਿਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਬਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੀਆਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ओए बिल्ले छोड़ दे मियाँ का पीछा, वो खुद गर्ज इंसान है। पढ़ दे शेख साहब, खुदा दा वास्ता जे साडे को इज्जत कराओ, साडे माई बाप दे बारे को एहो जी गल ना करन दे। ओए व्हाट इज दिस? मेरा पैर सोफे दे थल्ले आ गया। ओए क्या समझता है शेख, अगर अपनी पार्टी में अकेला बंदा है तो डर जाएगा। मैं भी वाइट बेल्ट हूँ बेटा, देख लेता हूँ तुझे। आ शेख साहब, खुदा का वास्ता है, जैसी तुम्हारी इज्जत करने से साढ़े। आया ओए अदू केक, अदू केक, आर यू गेट ज़ुम्बा फायर।